तो मेरे एक नए ब्लॉग में सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार और पहला तो देख लियो। तो दोस्तों एक नए दिन की एक नए शुरुआत के साथ मैं हूँ उत्तराखंड के हसीन वादी से दानिश पेता। तो दोस्तों आज मुझे कुछ चरवाहे मिले थे दोस्तों, मैं आपको ब्लॉग में दिखा दूंगा आपको। दोस्तों बिना किसी देर के चलते सीधे ब्लॉग पर। तो दोस्तों मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, ये राजस्थान से हैं और दोस्तों इनके पास 2000 प्लस गाय हैं, जहाँ की आप ब्लॉग में देख ही लोगे दोस्तों। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इनकी बच्चियाँ कहाँ हैं। तो दोस्तों इनकी बच्चियाँ, ये बच्चियाँ अलग चराते हैं और गाय अलग चराते हैं। तो दोस्तों अगर बच्चियों को साथ लगाएंगे तो दूध पी देंगे वो, इसलिए नहीं लगाते साथ। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख ही रहोगे यहाँ पर ये पानी पीने के लिए जा रहे हैं और दोस्तों लाइन से सब जाएंगे पानी पीने के लिए। हालांकि दोस्तों आपको अभी दिख ही रहा होगा सुबह का मॉर्निंग का टाइम है और इनका पानी पीने का टाइम आ रहा है और ये पानी पीने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों थोड़ा इनके बारे में बता दूं मैं, ये राजस्थान के मवेशी हैं जो कि दोस्तों यहाँ पर अभी अपने गाय ला के आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये अपने गायों के साथ ही रहते हैं और दोस्तों उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों जो भी आय होती है उनकी इन गायों से होती है, जैसा कि आप ब्लॉग में देख ही रहोगे आप। तो दोस्तों इनकी गाय अलग होती है और बच्चियाँ अलग हैं, क्योंकि दोस्तों अगर बच्चों को इनके साथ लगा देंगे तो दोस्तों बच्चियाँ इनके दूध पी लेंगे, तो इसलिए अलग अलग लगा रहे हैं इन लोग, अलग अलग आते हैं ये लोग। अगर इनके रहने की बात करें तो दोस्तों ये खेत में ही रहते हैं अपनी गायों के साथ, जैसा कि ब्लॉग में देख ही होंगे आप। अभी खेत खाली हो रखे हैं तो उन खेतों में ही वहीं पर गाय चराते हैं और वहीं पर खाना पीना और वहीं सोते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों सामने देख रहा होगा आपको यहाँ पे पानी है और ये पानी पीने के लिए जा रहे थे। तो दोस्तों कुछ ऐसा है इधर से नज़ारा, अभी देख सकते हैं आप सीधे सामने एक गाय चर रही है जो कि खेत में है। अभी दोस्तों अभी पूरा खाली है और यहाँ पर जंगली घास उगी हुई है इस खेत पे। तो दोस्तों ये सारा वही गाय चरते हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों थोड़ा मुश्किल ज़रूर है क्योंकि इस टाइम दोस्तों गर्मी के दिन है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।